गाइस इस जगह का इतिहास जुड़ा हुआ है बद्रीनाथ के पुजारियों से और साथ ही पांचों पांडवों से। तो आपने देखा कि पुराने टाइम पे गांव वगैरह में जितने भी गांव के लोग वगैरह होते थे, जो औरतें होती थी, वो सब मिलके एक साथ रोटियां बनाते थे। तो उस टाइप का ही कल्चर जो है अभी तक है यहाँ पे। और यार इसको ना यहाँ पे जो कहते हैं ना भोज कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो आप देख सकते हो यार सारे लोग बैठे हैं। और एक चीज और है कि एक बार अगर आप खाना शुरू करते हो तो बीच में आप उठ नहीं सकते हो। और ढोल दमाओं के साथ में लगाई जाती है वार्ता। वार्ता मीन्स कि अपने देवता को, जैसे हम लोग पूजा वगैरह करते हैं तो पूजन विधि है। तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है जी सबके यार। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं आया हूँ एक इंटरेस्टिंग लोकेशन पे। जी हाँ गाइस, इस जगह का इतिहास जुड़ा हुआ है बद्रीनाथ के पुजारियों से और साथ ही पांचों पांडवों से। तो यार गाइस आपको मैंने अभी पहले वाले व्लॉग में बता दिया है कि यार यहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें होती है, कैसे कैसे आपको आना है। और गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो यार बेसिकली यहाँ पे अभी हो रहा है भंडारे का टाइम। तो लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे इसको कहते हैं कि खाना वगैरह होता है, प्रसाद ग्रहण वगैरह। तो चलते हैं फिलहाल वहाँ पे और देखते हैं कि यार जो प्रॉपर गाँव की जो एक विलेज लाइफ होती है ना, जैसा कि आपको बताया था कि अभी यार गांव में यहाँ पे एक पूरा आइसोलेटेड प्लेस है अभी भी। तो चलते हैं फटाफट से, दिखाता हूँ आपको यार कि प्रॉपर जो गांव की जगह होती ना वो कैसे रहने वाली है और कैसे इस जगह का इतिहास जुड़ा हुआ है और आज की जो रात है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो गाइस यार ये इस वीडियो का है पार्ट टू। पार्ट वन मैं आई बटन पर डाल दूंगा, जिसने वो अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके फटाफट से देख लेना। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर देना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे कर देना लाइक और शेयर कर देना उन लोगों तक जो चाहते हैं इस टाइप की चीज़ें देखना। तो पहुँच गया यार ऊपर जहाँ पर पंडाल लगा हुआ है और आप देख सकते हो पीछे की तरफ ही कितनी सारी चीज़ें हैं। अभी आप लोग सब लोग बैठे हुए हैं और पंगत में बैठे हुए हैं। तो यार ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ऐसी चीज़ें हमारी जो संस्कृति में थी पहले से, तो अब हम उन चीज़ों को फॉलो करते नहीं है, लेकिन अभी कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पर ये चीज़ें अभी तक फॉलो होती है। तो चले यार दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे रोटी वगैरह जो बनती है ना, तो जैसे भी आपने देखा कि पुराने टाइम पे गांव वगैरह में जितने भी गांव के लोग वगैरह होते थे, जो औरतें होती थी, वो सब मिलके एक साथ रोटियां बनाते थे। तो उस टाइप का ही कल्चर जो है अभी तक है यहाँ पे। तो चलो फटाफट से यार वो भी दिखाता हूँ आपको और साथ में और दिखाता हूँ कि यार पंगत में अगर आप एक बार बैठ जाते हो, जब तक फिर सबका खाना नहीं खत्म हो जाता तब तक आप लोग उठ नहीं सकते हो। तो इस टाइप की चीज़ें रहने वाली है यार। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोगों को पूरा ज़रूर देखना। से देख लो आप लोग, पंक्त हो गई है बढ़िया से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं वहाँ पे ना बीच में जा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सीन ऐसा ही है। और ये है मेरी कजन सिस्टर और ये है उनके हस्बैंड। और सर बताऊँ गाइस, इसको बड़ा शौक है यार वीडियोस में आने का। पीछे आप देख रहे होंगे यार पंगत बैठी हुई है बढ़िया से। और गांव के जो हमारे पुराने रीति रिवाज है ना, कुछ वो इस टाइप से होते थे। आजकल यार मॉडर्न टाइम में तो हम लोग इस टाइप की चीज़ें फॉलो करते नहीं है, बट ये सब चीज़ें ना देखने में काफ़ी यूनिक अब हमें लगती हैं, लेकिन पहले यार ऐसा ही कुछ होता था हमारा जो संस्कृति में। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ गाइस यार, कि मैं खासकर आजकल इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार ये है मेरे नानी का गाँव, मीन्स कि मेरी जो मदर है उनका घर था ये पहले, शादी से पहले। तो यार यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, यहाँ पे जितने भी लोग आपको जानते हैं ना वो आपकी माँ के नाम से आपको जानते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे सनातन में पहले से ही आपको ज्ञात होगा कि यार जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं तो उसको जो जाना जाता था, उनको वो उनकी माँ के नाम से ही जाना जाता था। हम लोगों ने यार बाद में आके इन सब चीज़ों को ख़राब कर दिया। तो मेरी आज से आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, आज से आप भी कोशिश करना कि आपका आपकी माता के नाम से ही जाना जाए। तो ये जी यार भैया भी अपने साथ में आ गए हैं। तो यार अभी हमने आ गए हैं अपने बढ़िया पत्तल वगैरह बैठ गए अपना डिनर के लिए। और अभी आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें अभी रहने वाली है आज के। और यार इसको ना यहाँ पे जो कहते हैं ना भोज कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो आप देख सकते हो यार सारे लोग बैठे हैं। और एक चीज़ और है कि एक बार अगर आप खाना शुरू करते हो तो बीच में आप उठ नहीं सकते हो। दूसरी चीज़ होती है कि आपको खाना छोड़ना नहीं होता है। और तीसरी चीज़ होती है कि यार अगर आप ऐसी जगहों पे आते हो तो यार इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए और बताता हूँ आपको यार कैसी कैसी चीज़ें रहने वाली हैं आगे के लिए। खाना खाने के बाद सब लोग एकत्रित होंगे देवता के स्थान पर और उसके बाद देवता को पुकारा जाएगा। और आपको बता दूं कि इसकी एक विधि होती है कि हमारे जो लोकल लैंग्वेज में उसको ढोल दमाओ बोलते हैं। और ढोल दमाओ के साथ में लगाई जाती है वार्ता। वार्ता मीन्स कि अपने देवता को, जैसे हम लोग पूजा वगैरह करते हैं तो पूजन विधि है, तो देवता को पुकारने को कहते हैं वार्ता। और फिर साथ में होता है लोक नृत्य भी। तो चलते हैं गाइस दिखाता हूँ आपको कैसी कैसी चीज़ें रहने वाली है। और उसके बाद आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमारे एक पंडित जी का है आज बर्थडे, और उसका बताऊँ कि यहाँ पर बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला। तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ओ, कनक
गाइज़ यार टाइम हो गया है कुछ 12 बजे के आसपास का। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज है हमारे पंडित जी का जन्मदिन, तो चलो यार फटाफट से दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर कैसे मनाया गया था पंडित जी का जन्मदिन, जिसमें कि यार हमारा वैदिक और मॉडर्न दोनों तरीकों को मिक्स करके मनाया गया, जो कि मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा। तो चलो जी आपको भी दिखाते हैं। A few moments later. सांद्र भव सुख संपति सदा रहे, भवन में भगवान का ध्यान से पितरों की सब योनि तारणा होंदी, शुभ कामना करण सी सब परिवार सदा सुखी अमर रहो, आशा बड़ी पुत्र की ही मन इच्छा मांगत वरदान मिले, जय वृद्धि हो कश्यप गोत्र की। तो गाइस आप मुझे जरूर बताना कि ये वैदिक और मॉडर्न वे आपको कैसा लगा एक बर्थडे सेलिब्रेशन का, एक जन्मदिन मनाने का। तो गाइस यार आज के ब्लॉग के लिए रखते हैं इतना ही, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज ये वीडियो आप अपने परिवार और अपने बच्चों को जरूर जरूर दिखाएं, शेयर जरूर कर दें, और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो पे कर देना लाइक, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। कल आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, तो उसके लिए भी रेडी रहें। तब तक ले बाय, टाटा टेक केयर, जय श्री राम।